पे मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो हमारा ऑटोमेटिक डिवाइस है जो कि आपके प्रेजेंस को सेंस करता है वो कैसे काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग रूम में लाइट बंद हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे ही कोई इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर की लाइट अपने आप चालू हो जाएगी। तो कोई भी जाइए अंदर, ये देखिए अंदर एंटर होते ही लाइट जल गई, और जब तक ये अंदर रहेंगे लाइट चलती रहेगी, और इनके बाहर आने के बाद जो है कुछ देर में लाइट बंद हो जाएगी। सेटिंग कर सकते हैं क्या इसमें अलग अलग टाइमिंग के, अलग रेंज की? इसमें टाइमिंग की अलग अलग सेटिंग हो जाती है। देखिए बंद हो गया ये, इसमें लगभग एक मिनट की सेटिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, तो अभी जो इसमें टाइम डाला गया था वो लगभग एक मिनट का डाला गया था जी, ताकि कस्टमर्स को कम्फर्टेबल फील हो, है ना, और उन्हें पता ना चले। और आप मुझे ये भी बताएं कि जैसे दिन रात में जलाना है इसका लिए इसमें सेटिंग है क्या? इसमें सारी तरह की सेटिंग्स हैं। अगर आप चाहें तो पर्याप्त, अगर लाइट है अंदर तो आप चाहें तो लाइट नहीं जलेगी, केवल उसी केस में आपकी लाइटें चालू होंगी जब लाइट कम होगी। अच्छा, ये वो लाइट की कम होने की लिमिट आप इसमें सेट कर सकते हैं। मुझे ये भी जानना है कि आप मुझे बताएं कि मुझे ये भी जानना है कि मुझे ये किस किस जगह पे मैं लगा सकता हूँ, घर में, कॉरिडोर में या सीढ़ियों पे? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है कि कई हमारे घर में कई ऐसी जगह होती हैं, जैसे कि जैसे अभी ये चेंजिंग रूम था, जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने देखा कि यहाँ पे फुल टाइम लाइट जल ही जा रही थी, और लाइट का अच्छा खासा वॉटेज था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वॉट की लाइट लगानी पड़ती है ना, तो पूरा दिन चलती है, पूरे दिन का बिल जुड़ता है। आपका किचन हो सकता है, आपका बाथरूम हो सकता है, बाथरूम में भी कई बार हम लाइट को बंद करना भूल जाते हैं, बाथरूम में लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम कभी कभी जाते हैं लेकिन वहाँ पे उजाले की जरूरत पड़ती है हमारे जाते ही, तो हम निकल तो जाते हैं लेकिन लाइट बंद करना भूल जाते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह किचन, अच्छा कई बार तो ऑन करना भी कठिनाई होती है, ये बोर्ड ढूंढना पड़ता है, अंधेरे वाले बाथरूम होते हैं। हाँ, अंधेरे वाले बाथरूम होते हैं। रात के टाइम पे नॉर्मल सी बात है कि हमें प्यास लगती है तो हम किचन में जाते हैं, फिर हमें स्विच ढूंढना पड़ता है। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कैसे? उनके लिए बहुत ज्यादा, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब उन्हें कभी नहीं सोचना, वो जब एंटर होंगे बाथरूम में, किचन में, किसी भी गली में, कई बार सीढ़ियों पे उजाला हो जाता है, उनके लिए कोई लाइट नहीं जलाता अंधेरे में, हम लाइट बुझाना भूल जाते हैं, तो सीढ़ियों पे भी। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हमारा आना जाना होता है लेकिन आते जाते वक्त लाइट की जरूरत है, लेकिन जब वहाँ पे कोई नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। घर की बाहर की लाइट सुबह उठ के बंद करनी पड़ती है, रात भर जलती रहती है जी, तो कोई भी ऐसी जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, और इससे हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि हम लाइट बंद करना भूल गए तो लाइट पूरा दिन चल रही है। तो लाइट कभी भी आपके लिए अवेलेबल होगी, और जब आप नहीं हैं तो लाइट वहाँ पे नहीं चलेगी, तो आपका बिल भी बचेगा और लाइट की लाइफ भी ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इसका एडवांस वर्जन भी है बिटॉन सेंस, जो कि और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है? इसका एक दूसरा वर्जन भी है बिटॉन सेंस, उसमें क्या होता है टाइमिंग पे, जैसे अभी आप इसमें देखेंगे ये लाइट को सेंस करके चलता है, टाइमिंग को सेंस करता है और आपको सेंस करता है ना इंसान को। इसका एक ग्रेटेस्ट वर्जन है जिसमें हम टाइम की भी लिमिट डाल देते हैं, कि जैसे मान लीजिए कई ऑफिसेस होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चलो मान लीजिए 8 घंटे का ऑफिस है ना, तो 8 घंटे तो वहाँ पे लाइट चलेगी पूरी की पूरी, मतलब कोई ऐसा कि बहुत फ्रिक्वेंटली आना जाना है और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई हम बंद नहीं कर सकते, है ना, कोई ऐसी लॉबी है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे दिन भर चलाना है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पे लोग जाने लगते हैं ऑफिस छोड़ के, और फ्रिक्वेंसी लोगों की कम होने लगती है। लेकिन उस टाइम पे भी रात को अगर 12 बजे तक का है या 11 बजे तक का है कोई ऑफिस में, तो लाइट जलती रहेगी फालतू में, तो हम उसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमने टाइम सेट कर दिया कि भाई चलो शाम को 7 बजे के बाद अब वहाँ पे बहुत कम लोग बचते हैं, तो अब उसको ऑटो मोड पे डाल दें तो कम से कम आपकी 4-5 घंटे की लाइट वो बचाएगा जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सूरज जी, थैंक यू।